बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रोमन सेल्फ लॉन, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फर्स्ट ट्रेमेस्टर में हमारे पास जब हम स्कैन करते हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो नीचे हम इमेज में भी पता लग रहा है गेस्टेशनल ट्रैक में फीटस आ रहा है, जो कि फर्स्ट ट्रेमेस्टर की प्रेगनेंसी है। और इसमें फीटल हेड के पोस्टीरियर पार्ट में एक एनीकोइक सा छोटा सा सिस्टिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि नॉर्मल है। इस सिस्टिक स्ट्रक्चर को हम रोमन सेल्फ लॉन कहते हैं। इसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइंड ब्रेन एंड इज द प्राइमरी वेजिकल ऑफ द न्यूरल ट्यूब। नॉर्मली इसको हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है, और ये एक छोटा सा सिस्टिक स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड में नज़र आता है अल्ट्रासाउंड पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। 8 to 10 weeks पे ये हमें नज़र आएगा। जैसे जैसे सेरिबेलम की डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे ये 11th week के बाद तक जो है नॉर्मल 4th ventricle में डिवेल्प हो जाता है। इसमें जो मेन बातें याद रखने वाली हैं वो ये कि इसको हम हाइंड ब्रेन भी कह सकते हैं। ये एक छोटा सा सिस्टिक स्ट्रक्चर है जो फीटल हेड के पोस्टीरियर पार्ट में हमें 8 to 10 weeks के बीच में नज़र आएगा। ये जो है आहिस्ता आहिस्ता 11th week के बाद तक जो है नॉर्मल 4th ventricle में डेवलप हो जाता है। इट इज़ बेस्ट अप्रिशिएटेड इन मिड सेजिटल प्लेन। इस इमेज में देखें तो यहाँ पे फीटल हेड के पोस्टीरियर पार्ट में हमें एक छोटा सा सिस्टिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसको हम नॉर्मल रोमन सेल्फ लॉन कहते हैं। ये वाला इमेज भी देखें, TVS का इमेज है। इसमें एक गेस्टेशनल सैक है, उसमें हमारे पास एमनियोटिक सैक भी नज़र आ रहा है, और फीटस के फिर अगेन पोस्टीरियर जो फीटल हेड है इसमें एक छोटा सा सिस्टिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि नॉर्मल रोमन सेल्फ लॉन होगा। और इस फीटस की जो गेस्टेशनल एज है वो 8 weeks और 4 days है। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ द हाइंड ब्रेन डेवलपमेंट इज द चेरी मेलफॉर्मेशन। चेरी मेलफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर स्कल का साइज जो है वो छोटा रह गया है, तो ब्रेन टिश्यू जो है वो तो नॉर्मल साइज का है, तो वो नॉर्मल ब्रेन टिश्यू जो है वो स्पाइनल कनाल में एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्कल साइज। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि दिस इज एक्चुअली द रोम्बॉइड फोसा जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आता है। इटसेल्फ ये रोमन सेल्फ लॉन नहीं है, ये रोम्बॉइड फोसा होता है जिसको हम रोमन सेल्फ लॉन कहते हैं। रोम्बॉइड फोसा इट इज़ अ पार्ट ऑफ रोमन सेल्फ लॉन कॉम्प्लेक्स। रोमन सेल्फ लॉन ये नहीं है। ये थोड़ा सा MCQ वाइज और वैसे भी जस्ट फॉर द नॉलेज ये याद रखने वाली बात है कि रोमन सेल्फ लॉन कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट है, इटसेल्फ रोमन सेल्फ लॉन नहीं है। द हाइपोइकोइक रीजन रिप्रेजेंट्स द डिवेलपिंग रोमन सेल्फ लॉन एंड हाइंड ब्रेन विच इंक्लूड्स मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इज रिपोर्टेडली विजिबल इन ऑल एम्ब्रियोनिक एंड फीटल एग्जाम्स एट 8 to 10 weeks। इट बिकम्स अ नॉर्मल 4th ventricle आफ्टर द 11th week। इस टॉपिक में हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये थी कि ये एक छोटा सा सिस्टिक स्ट्रक्चर है जो फीटल हेड के पोस्टीरियर साइड पे नज़र आता है बिटवीन द 8 to 10 weeks के बीच में, और इवेंचुअली जो है ये 11 week के बाद नॉर्मल 4th ventricle में डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि एक्चुअली ये रोम्बॉइड फोसा है, रोमन सेल्फ लॉन नहीं है। रोम्बॉइड फोसा होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिवेलपिंग रोमन सेल्फ लॉन को, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे जो है वो नॉर्मली इसको रोमन सेल्फ लॉन ही कहा जाता है। इस इमेज में भी देखें तो यहाँ पे जो है वो हाईलाइट भी किया गया है, ये पोस्टीरियर जो है साइड पे हमारे पास है, यानी कोई एक छोटी सी सिस्ट नज़र आ रही है जो कि नॉर्मल रोमन सेल्फ लॉन है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।